नमस्कार। अगर आप मिर्जापुर सीरीज के प्रशंसक हैं तो आपको उस वक्त बहुत बुरा लगा होगा जब मुन्ना भैया की मौत हो जाती है। आपके इसी दुख को देखते हुए मिर्जापुर के मेकर्स ने फिर से तीसरे सीजन में मुन्ना भैया को लाने का मन बनाया, लेकिन आगे यह हो सकता है कि मुन्ना भैया आए तो जरूर, लेकिन उनके पास डायलॉग्स ना। अब ये सवाल आपके मन में आया होगा कि भाई उनके पास डायलॉग क्यों नहीं होगा, तो चलिए ठीक है, मैं आपको कारण बाद में बताऊंगा। वहीं उनको भी दुख होगा जो अपने उन नेताओं को जिनको वो पसंद नहीं करते हैं, अब चाहे वो पड़ोस के पप्पू हों या दूर के फेकू हों, तो वो करते क्या हैं कि उनको सुनना ज्यादा पसंद करते हैं जो उनके इन नेताओं को अपने दिल से याद करते हैं और अच्छी अच्छी बातें करते हैं। अच्छी अच्छी बातों का अर्थ आप समझ गए होंगे, लेकिन अब शायद ये भी संभव ना हो और आगे आधुनिक जो ब्रह्मा हैं उन्हें भी दिक्कतें आ सकती हैं। वह क्यों? वह इसलिए क्योंकि ये जो आधुनिक ब्रह्मा है वो करते क्या है कि किसी के धड़ पर किसी का सर जोड़ देते हैं, और इतना ही नहीं, कुछ कुछ तो जो हमारे ऑनलाइन कंटेंट होते हैं उस पर तो आधुनिक दुशासन भी बैठे होते हैं, जो फोटो में जो कपड़े होते हैं उसका वो चीरहरण कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर जो मैंने यहां पर बातें कही है, जिनको दुख होने की बात कही है, वह इसलिए कही है क्योंकि सरकार के द्वारा एक नया गाइडलाइन जारी किया गया है और यह गाइडलाइन ऑनलाइन कंटेंट से संबंधित है। अगर इस गाइडलाइन की हम बात करें तो उसका नाम क्या, जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। आइए जरा देखते हैं इसे विस्तार के साथ, यह किससे संबंधित है, सरकार के द्वारा इस गाइडलाइन को जो जारी किया गया आखिर यह संबंधित किससे है। तो यह संबंधित है ओवर द टॉप या OTT, अब जैसे नेटफ्लिक्स Amazon प्राइम वगैरह, इससे संबंधित है। वहीं दूसरा यह संबंधित है इंटरनेट मीडिया से, और तीसरा यह संबंधित है डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म से। सबके लिए सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा गाइडलाइन को जारी किया गया है ताकि मीडिया के इस नए प्रकार पर जो तेजी से फैल रहा है और जिसकी लोकप्रियता भी काफी बढ़ चुकी है और अभिव्यक्ति का यह एक आसान प्लेटफॉर्म है, तो इस पे जो कंटेंट डाला जा रहा है वह कंटेंट समाज, राष्ट्र की सुरक्षा, संप्रभुता, इन सभी दृष्टिकोण से उपयुक्त हो, इसी को देखते हुए सरकार के द्वारा गाइडलाइन को जारी किया गया। अब हम एक एक ये जो तीनों इंटरनेट मीडिया, ओवर द टॉप और डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म है, तो हम ये देखते हैं कि आखिर क्या क्या गाइडलाइन जारी किए गए। तो देखिए, ये जो गाइडलाइन जारी किया गया है, सबसे पहले हम बात करते हैं ओवर द टॉप। अब देखते हैं इस ओवर द टॉप के अंतर्गत क्या बातें हैं। सबसे पहले यहां पर जो भी कंटेंट लाए जाएंगे उस कंटेंट की ग्रेडिंग की बात की गई है, और ये ग्रेडिंग क्या क्या है जरा उस पर गौर कीजिए। सबसे पहले यू ग्रेडिंग कंटेंट का अर्थ है यह कंटेंट सभी उम्र के लोगों के लिए उपयुक्त है, चाहे वह बच्चा हो या वह वृद्ध हो। फिर आगे यू अंडर एडल्ट प्लस 7, इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ यहां पर यह होगा कि अगर किसी भी कंटेंट को इस ग्रेडिंग के अंतर्गत रखा जाता है तो इसका अर्थ होगा कि 7 से अधिक उम्र के जो बच्चे हैं या 7 से अधिक उम्र के जो व्यक्ति हैं उनके लिए यह कंटेंट उपयुक्त है, लेकिन इसमें भी 7 से अधिक उम्र के जो बच्चे होंगे उनको अपने माता पिता के साथ बैठकर इस कार्यक्रम को देखना होगा। फिर तीसरे ग्रेडिंग को देखते हैं, तीसरा ग्रेडिंग क्या है? तीसरा ग्रेडिंग है अंडर एडल्ट 13, मतलब बात वही, लेकिन इसमें 7 नहीं, इसमें क्या है 13 से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। फिर आगे देखिए अंडर एडल्ट प्लस 16, मतलब यानी 16 से अधिक उम्र के जो व्यक्ति हैं उनके लिए यह कंटेंट उपयुक्त है, जबकि 16 से कम उम्र के जो व्यक्ति हैं उनके लिए कंटेंट उपयुक्त नहीं है। और फिर आगे एडल्ट, मतलब साफ है आप भी जानते होंगे क्या है कि जो कंटेंट है वह किसके लिए है, वह वयस्कों के लिए है, मतलब जो वयस्क नहीं है उनके लिए यह कंटेंट उपयुक्त नहीं है। और वयस्क हैं इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा,
मतलब ये कि आपको अपना एज वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, तभी आप इस कंटेंट को देख पाएंगे। अब मामला यहां पर यह है कि मान लें कि अगर कोई कंटेंट ऐसा हो जिसको कि उस प्लेटफॉर्म पर नहीं रहना चाहिए, तो फिर इस तरह के कंटेंट के रिमूवल की भी व्यवस्था है। कंटेंट के रिमूवल की बात करें तो किस प्रकार के कंटेंट की रिमूवल, तो सबसे पहले आपत्तिजनक कंटेंट। क्या हो सकता है आपत्तिजनक कंटेंट? कोई भी ऐसा कंटेंट जो कोर्ट के किसी आदेश के प्रतिकूल हो, या भारत सरकार के द्वारा जो निर्देश या इंस्ट्रक्शन जारी किए गए हैं उसके प्रतिकूल हो, या संविधान में जो वाक और अभिव्यक्ति के अधिकार दिए गए हैं उससे एकदम से अलग हो, तो यह हुआ आपत्तिजनक। और फिर अश्लील, तो अश्लील कंटेंट हमें पता है कि अश्लील कंटेंट क्या होते हैं। अब अगर इस तरह की कंटेंट मौजूद है तो उसको रिमूव कराया जाएगा कितने घंटे के अंदर, तो शिकायत अगर दर्ज कराई जाती है और अगर वो कंटेंट आपत्तिजनक है तो 36 घंटे के भीतर, और अगर कंटेंट अश्लील है तो 34 घंटे के भीतर इस तरह के कंटेंट को क्या किया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। अब फिर बात यहां पर होती है कि इस तरह के कंटेंट की निगरानी की क्या व्यवस्था की जाएगी, तो कंटेंट की निगरानी के भी निर्देश या गाइडलाइन जारी किए गए हैं। वो क्या है कि कंटेंट की निगरानी के लिए इस ओटीटी मतलब ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म पर जो ऐप मौजूद हैं उनसे संबंधित जो संस्थाएं मौजूद हैं वो क्या करेंगी, स्वनियामक इकाई की स्थापना करेंगी। स्वनियामक इकाई मतलब सेल्फ रेगुलेशन बॉडी की स्थापना करेंगी, और इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, तो इसकी अध्यक्षता करेंगे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज। तो अभी हमने किसकी बात की, हमने बात की ओवर द टॉप से संबंधित दिशा निर्देश पर, जैसे कि हाल ही में भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया है सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। अब हम बढ़ते हैं दूसरे प्लेटफॉर्म पर, वह क्या है, वह इंटरनेट मीडिया। अब देखिए इंटरनेट मीडिया को क्या किया गया, इसे दो श्रेणी में विभक्त किया गया। दो श्रेणी में इंटरनेट मीडिया को बांटने का, वर्गीकृत करने का, क्लासिफाइड करने का आधार क्या है, आधार है यूजर्स की संख्या। मतलब एक यूजर्स की संख्या की एक सीमा बनाई जाएगी, उससे कम और उससे ज्यादा, ये दो श्रेणी होगी। तो मान ली कोई भी एक संख्या बना दी गई, अगर उससे कम यूजर्स हैं तो फिर उसका नाम क्या दिया गया है, इंटरनेट मीडिया इंटरमीडियरी, और उससे ज्यादा है अगर तो उसका नाम क्या दिया गया है, सिग्निफिकेंट इंटरनेट मीडिया इंटरमीडियरी। तो हमने क्या देखा यहां पर कि जो इंटरनेट मीडिया है उसके कितने, उसे दो श्रेणी में बांटा गया है, किस आधार पर बांटा गया है, तो यूजर्स संख्या के आधार पर बांटा गया है, और वो दो श्रेणी कौन कौन से हैं, इंटरनेट मीडिया इंटरमीडियरी, और दूसरा कौन सा है, सिग्निफिकेंट इंटरनेट मीडिया इंटरमीडियरी। अब इसी में यह है कि जो दूसरी श्रेणी है वह कौन सी, सिग्निफिकेंट इंटरनेट मीडिया इंटरमीडियरी, यह नियुक्त करेगा तीन प्रकार के अधिकारियों को, कौन कौन से, पहला स्क्रीन पर देखिए चीफ कंप्लायंस ऑफिसर। क्या करेगा चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, वह यह तय करेगा कि जो निर्देश जारी किए गए हैं उन निर्देशों का अनुपालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। दूसरा अधिकारी वो कौन है, नोडल कॉन्टेक्ट पर्सन। आखिर ये क्या करेंगे, तो 24/7 कंटेंट से संबंधित शिकायत जो है उन शिकायतों को ये दर्ज करेंगे, नोडल कॉन्टेक्ट पर्सन। और तीसरे अधिकारी कौन से हैं, ग्रीवांसेस ऑफिसर, शिकायत जो दर्ज की जा रही है उन शिकायतों को दूर करने का कार्य करेंगे ग्रीवांसेस ऑफिसर। और इन तीनों अधिकारियों का भारत में रहना अनिवार्य है, यह बात निर्देश में गाइडलाइंस में कही गई है। आगे चलिए, अब यहां पर बात यह हो रही है कि क्या इंटरनेट मीडिया पर जो यूजर्स आएंगे, जो कंटेंट को देखेंगे, क्या उनका वेरिफिकेशन भी किया जाएगा, बेशक वेरिफिकेशन किया जाएगा। इंटरनेट मीडिया पर यूजर्स वेरिफिकेशन की भी व्यवस्था है, और इसके लिए जो मैकेनिज्म बनाया जाएगा वो वॉलंटरी होगा। मतलब कि इंटरनेट मीडिया वो खुद ये करेंगे क्या कि वो स्वैच्छिक तौर पर एक मैकेनिज्म बनाएंगे। हाँ, एक यूजर्स वेरीफाइड है या वेरीफाइड नहीं है यह पता चलेगा, अगर वो वेरीफाइड नहीं है तो फिर यूजर्स के नाम के आगे टिक नहीं लगा होगा,
अगर वो वेरीफाइड है तो फिर उस पर वेरिफिकेशन का निशान लगा होगा। फिर इंटरनेट मीडिया पर भी क्या कंटेंट जो है उसका विभाजन होगा, वर्गीकरण होगा, बेशक होगा, क्योंकि कंटेंट एक तो अच्छा कंटेंट होता है और फिर ऐसे कंटेंट जो आपत्तिजनक होते हैं या ऐसे कंटेंट जो अश्लील होते हैं। तो इंटरनेट मीडिया पर जो कंटेंट डाला जाएगा वो कंटेंट भी क्या होगा, एक आपत्तिजनक कंटेंट और दूसरा अश्लील कंटेंट। हमने पहले भी बात की है कि आपत्तिजनक कंटेंट क्या होता है, तो आप देखिए स्क्रीन पर कि अदालत या सरकार के आदेश पर रोक लगाई गई विषय वस्तु पर जो संप्रभुता या लोकहित दृष्टिकोण से उपयोगी ना। और अगर इस तरह के कंटेंट दिखते हैं इंटरनेट मीडिया पर, चाहे वो आपत्तिजनक हो चाहे वो अश्लील हो, तो फिर क्या किया जाएगा, 24 घंटे के भीतर इन दोनों तरह के कंटेंट को वहां पर रिमूव कर दिया जाएगा। अब यह कि कंटेंट आपत्तिजनक है या अश्लील है, तो इससे संबंधित शिकायत दर्ज करानी होगी, तो उसकी क्या व्यवस्था है, जरा उसकी व्यवस्था देखिए आप। कंटेंट से संबंधित जो शिकायत है उस शिकायत को लेने के लिए एक शिकायत निवारण अधिकारी होगा जो 24 घंटे के अंदर कंटेंट से संबंधित शिकायत पर संज्ञान लेगा और 15 दिनों के भीतर उससे संबंधित शिकायत का जो है, शिकायतें जो है, उन शिकायतों का क्या करेगा, वो निपटान करेगा। तो देखिए 24 घंटे के अंदर वह एक्टिव होगा और 15 दिनों के भीतर जो शिकायत है उस शिकायत को वह दूर करेगा। इतना ही नहीं, आगे देखिए क्या है कि पूरे महीने भर जो शिकायतें दर्ज की गई है उन शिकायतों से संबंधित क्या प्रगति हुई है, कितना कंप्लायंस हुआ है या कितना अनुपालन हुआ है, उससे संबंधित एक मासिक आधार पर रिपोर्ट तय करनी पड़ेगी। मतलब अनुपालन से संबंधित एक मासिक रिपोर्ट को भी जारी किया जाएगा, प्रकाशित किया जाएगा, किसे, शिकायत से संबंधित। हां, अब यहां सवाल यह है कि मान लें कि इंटरनेट मीडिया पर अगर कोई यूजर्स है, कोई भी एक यूजर है, उसने अपनी कोई बातें लिखी है या उसने कुछ पोस्ट किया है और अगर उससे संबंधित कोई शिकायत आती है और उस कंटेंट को अगर हटाने की बात होती है तो क्या उस यूजर को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, बेशक मिलेगा। रूल ऑफ लॉ मतलब ये कि आपके कंटेंट को अगर हटाया जा रहा है तो आप अपनी बात पहले यहां पर यह बताएं कि आपके कंटेंट को क्यों ना हटाया जाए, कंटेंट से संबंधित जो शिकायत है उस पर सुनवाई की जाएगी और यूजर्स को मौका दिया जाएगा कि वो अपना पक्ष रखे। जो हमने देख लिया यहां पर कि किसी यूजर्स की पोस्ट को हटाने से पहले अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। फिर जो कंटेंट है उस कंटेंट को अगर हम देश के भीतर देखें तो वहां भी तैयार होता है और कुछ कंटेंट देश से बाहर भी तैयार होते हैं। तो अगर एक प्लेटफॉर्म पर कोई कंटेंट आ रहा है तो पहले यह देखा जाएगा कि उसका ओरिजिन क्या है, सोर्स ऑफ ओरिजिन उसका क्या है, कहां उस कंटेंट को तैयार किया गया है। तो विदेश में जो तैयार कंटेंट है उसमें उसके क्रिएटर का नाम बताना अनिवार्य होगा, और अगर विदेश में कंटेंट तैयार हुआ है और वह भारत तक पहुंच चुका है तो यह भी उसमें बताना होगा कि भारत में उस कंटेंट को सबसे पहले किसने शेयर किया। तो सबसे पहली बात कि विदेश में जो कंटेंट बनाया वो कंटेंट बनाने वाला कौन है, और दूसरा उस कंटेंट को देश के भीतर लाने वाला कौन है। तो दोनों चीजें यहां पर बताना क्या है, निर्देश में कहा गया कि वह अनिवार्य है। इतना ही नहीं, इंटरनेट मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है उस प्लेटफॉर्म को अब जवाबदेह होना होगा। जैसे सिंपल सी मैं बात कर रहा हूं आपको, मान लें एक ट्विटर में ले लेता हूं। अब ट्विटर पर क्या हुआ कि किसी ने कुछ पोस्ट किया, अब देखना आजकल टूलकिट सारी चीजें चल रही हैं, तो अभी ट्विटर इस बात से पल्ला नहीं झाड़ सकता कि भाई इसमें हम क्या करें, वो तो किसी ने पोस्ट किया था फिर किसी ने उसे क्या किया कि उसको वो फैलाता चला गया, उसको शेयर करता चला गया। नहीं, अब जो इंटरनेट मीडिया है उस इंटरनेट मीडिया को अब इस बात की जिम्मेवारी लेनी होगी कि जो कंटेंट उस पर जा रहा है वह कंटेंट उपयुक्त है कि नहीं है, और अगर उस प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग किया जा रहा है तो दुरुपयोग से संबंधित जिम्मेवारी भी लेनी होगी किसे, इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म को। चलिए, हमने दो देख लिया, OTT देख लिया और इंटरनेट मीडिया देख लिया। अब हम बढ़ते हैं
तीसरे प्लेटफॉर्म की ओर, जो है डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म, मतलब न्यूज का वो प्लेटफॉर्म जो डिजिटल माध्यम से दिया जा रहा है, डिजिटल माध्यम से जिसे लोगों के बीच फैलाया जा रहा है। अब यहां पर देखें, डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म से संबंधित सारी जानकारी, खासकर कि यह जो डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म है उसका मालिक कौन है, तो स्वामित्व संबंधी जानकारी देनी होगी, शेयर होल्डर संबंधी जानकारी देनी होगी, इन्वेस्टर से संबंधी जानकारी देनी होगी, और मार्केट में कहां से पैसे लिए गए हैं, डेट लिया गया, ऋण लिया गया है, वह भी जानकारी यहां पर देनी होगी। उसके अलावा जो डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म है उसको संतुलन बनाना पड़ेगा। किसके साथ? उसे संतुलन बनाना पड़ेगा जो ऑफलाइन मोड में, मतलब जो नॉन डिजिटल सेगमेंट है न्यूज का, जैसे प्रिंट और टेलीविजन के साथ। और यही नहीं करना है, उनको प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा तय मर्यादा का भी पालन करना है। तो कुल मिलाकर यहां पर बात यह हो रही है कि डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म पर आप क्या कर रहे हैं, न्यूज दे रहे हैं किसको, लोगों को। और सूचना प्रौद्योगिकी के इस समय में, जबकि सूचना एक सेकेंड में लाखों करोड़ों मील तक सफर तय कर लेती है, तो वहां पर जवाबदेह को तय करना आवश्यक है, जवाबदेही तय करना आवश्यक है। इसीलिए जो नियम, कानून और अनुपालन संबंधी शर्तें प्रिंट और टेलीविजन न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए है, ठीक उन्हीं शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा किसके लिए, डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म को। इसीलिए यहां पर यह है कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जो मर्यादा है, उन मर्यादाओं का पालन भी करना होगा, किसे, डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म को। क्या है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया? तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक स्टेट्यूटरी बॉडी है, मतलब यह एक वैधानिक संस्था है, जिसे 1966 ईस्वी में बनाया गया संसदीय अधिनियम के द्वारा, और यह प्रेस के लिए क्या करता है, एक वॉच डॉग का काम करता है, एक निगरानी संस्था के रूप में कार्य करता है, और यह प्रेस के लोगों के द्वारा ही संचालित होता है। और यह पूरी प्रक्रिया जो की जाती है वह किसके अंतर्गत, प्रेस काउंसिल ऑफ एक्ट 1978 के अंतर्गत। तो फिर इसको आप एक बार देख लें कि फाउंडर पार्लियामेंट ऑफ एक्ट, फाउंडेड कब, 4 जुलाई 1966, और हेडक्वार्टर कहां पर, नई दिल्ली में है। आगे चलिए देखें क्या है कि अगर डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म पर अफवाह या गलत खबर फैलाई जाती है, ठीक है, तो उस पर रोक लगाने से संबंधित निर्देश भी जारी किए गए हैं। और इसके लिए जो व्यवस्था बनाई गई है वह व्यवस्था 3 स्तरीय है, मतलब यह कि अफवाह या गलत खबर पर रोक लगाने हेतु 3 स्तरीय शिकायत निपटान प्रणाली को स्थापित करने का निर्देश, गाइडलाइन जारी किया गया है। अब जरा देखते हैं ये 3 स्तरीय शिकायत निपटान प्रणाली क्या है, जरा देखिए। इसमें 3 स्तरीय शिकायत निपटान प्रणाली के अंतर्गत जो पहला स्तर है, इस पहले स्तर के अंतर्गत डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म को क्या करना होगा कि शिकायत सुनने एवं कार्रवाई हेतु अधिकारी को नियुक्त करना होगा, ठीक, और 15 दिनों के भीतर शिकायत का निपटान करना होगा। ये हो गया पहले स्तर। अब हम बात करते हैं दूसरे स्तर की। दूसरे स्तर में क्या है, दूसरे स्तर के अंतर्गत यह है कि डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म को 6 सदस्यीय स्वनियामक समूह का गठन करना होगा, सेल्फ रेगुलेशन बॉडी का गठन करना पड़ेगा। और इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, अध्यक्षता करेंगे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज। इतना ही नहीं, यह जो स्वनियामक समूह है उसका पंजीकरण होना आवश्यक है, किसके द्वारा, सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। ये तो हमने दोनों स्तर की बात कर ली, अब बात करते हैं तीसरे स्तर की। तीसरे स्तर के अंतर्गत क्या व्यवस्था है, इसके अंतर्गत है कि सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा अंतर विभागीय समिति का गठन किया जाएगा जो डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म से संबंधित शिकायत निपटान प्रणाली का एक भाग होगा, शिकायतों को दूर करने का वह कार्य करेगा। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, हमने यह देखा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 को जारी कर दिया गया है। यह जो कोड जारी किया गया है वह इंटरनेट मीडिया, ओवर द टॉप, ओटीटी और डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म से संबंधित है, या यूं कहें कि इस पर कंटेंट वैसे जाए जो देश की संप्रभुता, अखंडता, पड़ोसी
जो हैं उनके साथ अच्छे संबंध और समाज में मर्यादाओं के पालन को सुनिश्चित करें। इसको अब यहीं पर हम विराम देते हैं। अगर हमारी टीम का कार्य आपको प्रशंसनीय लगता है तो कमेंट सेक्शन में इस बात से आप हमें अवगत कराएं, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नमस्कार। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.